हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सैनिटेशन 99 में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सब सही होंगे। दोस्तों मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैनिटेशन 99। चलिए सीधे दोस्तों टॉपिक में लेके आपके चलता हूं मैं। दोस्तों मैं आज आप बताऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने कॉल बैकग्राउंड में जब किसी का कॉल आता है तो अपनी फ़ोटो यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, जो आपकी फ़ोटो दिखे या उसकी फ़ोटो कैसे लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा दोस्तों कि अपने फ़ोटो कैसे लगाएंगे, और वीडियो करना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं, कुछ लर्न करना देख सकते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि जो हम बताएं आप अच्छी तरह से अपडेट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। उसके लिए आपको अपने कॉल वाले ऑप्शन पर चले जाना है जिसे आप कॉल करते हैं। आप ऐसे चले जाएंगे दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा तो आप नीचे यहाँ कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ से भी देख सकते हैं, 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से जब आप 3 डॉट दिख जाएगा तो 3 डॉट में आप ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, ये देख सकते हैं। तो आपको सिंपली इस सेटिंग एंड प्राइवेसी में यहाँ पर चले जाना है। चलिए चले जाते हैं, इसमें टच कर देंगे, ऐसे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे सेटिंग के फ्यूचर जो हैं आपके होम ये फ़ोन के स्क्रीन में ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सर्च कर देखना है, कॉल बैकग्राउंड में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन रहेगा, तो आपको कॉल बैकग्राउंड में ऐसे चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो दिख रहा है मेरी जो वॉलपेपर में सेट है होम स्क्रीन में, ये वही उसी तरह का दिख रहा है। जब कॉल आएगा तो ऐसा दिखेगा। तो अगर आप दूसरा कुछ लगाना चाहते हैं, दूसरा कोई लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोई कोई फ़ोन में क्या रहता है कि ऑप्शन नहीं दिया रहता है, वो नॉर्मल रहता है तो अलग से लगाना पड़ता है, मेरे में तो लगा है। अब चलिए पहले यहाँ पर ले आउट में चलते हैं। ले आउट में जाए या ले आउट में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ऐसे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है ताकि ऐसा दिखे। देख सकते हैं यहाँ पर जो फ़ोटो दिख रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिख रहा है तो ऐसा दिखे। तो चलिए पहले लेआउट में ऐसे जाएंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वाला पसंद हो तो चलिए मैं इसमें करके भी दिखा दे रहा हूँ। जब आप इसमें कर देंगे तो देख सकते हैं जो हमारा कॉल का ऑप्शन रहता है ये यहाँ से देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं ये ऐसे हो चुका है, यहाँ पर ऐसे नाम आएगा और यहाँ पर वो उसका कॉन्टैक्ट फ़ोटो लगाया होगा तो आएगा, नहीं लगाया होगा तो नहीं आएगा, इधर नंबर शो करेगा। और इस वाले में जब आप शो कर देंगे तो देख सकते हैं इसमें कैसा दिख रहा था पहले, इस वाले में ऊपर देख सकते हैं नाम दिख रहा है और ये यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है और नीचे सेम ही है, वैसा ही है। तो चलिए दोस्तों इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं चेंज करना है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए ये नीचे बैकग्राउंड वो हाँ बैकग्राउंड का, आपको क्या करना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली चले जाना है। चलिए चलते हैं वहाँ पर। जब आप वहाँ पर चले जाएँगे तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फीचरेट जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहे हैं, डार्क मोड वगैरह, वीडियो वगैरह, जैसे आप करना चाहते हैं कि फ़ोन आए तो वीडियो में देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। नॉर्मल में करेंगे तो ये देख सकते हैं ऐसा आएगा, अगर जो मतलब फ़ोन में के स्टोरेज में दिया है वो ऐसा आएगा। अगर आप यहाँ वीडियो वाले में करेंगे तो वीडियो में कुछ ऐसा करके आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, ये जो आपकी स्क्रीन है ना ये ऊपर नीचे जाएगी थोड़ा बहुत, और यहाँ तो अब साइड में जो वीडियो को है इसको अगर आप कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ से ये जो दिख रहा होगा ये डांस कर रहा है लड़का, कपड़े चेंज कर रहा है, देख सकते हैं। जब फ़ोन आएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको फ़ोटो सेट करके दिखाता हूँ, अगर आप ये पसंद है तो आपको इनको यहाँ से सेव सेट करना है, देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पर आपको दिया दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दिया है सेट अस कॉल बैकग्राउंड, तो आपको सेट करना हो तो ये वीडियो वगैरह आप सेट कर सकते हैं, नहीं सेट करना है तो बैक आ जाएंगे, हम आपको सीधे फ़ोटो सेट करके दिखा दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपके फ़ोन में या तो यहाँ प्लस का आइकन मेरे में दिख रहा है, अगर आपके पास वहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा प्लस का आइकन या तो फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है उसमें ऐसे चलिए टच कर देंगे। जब आप टच कर देंगे तो आपको देखने को यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमको एक फ़ोटो यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर ले रहे हैं,
रिसेंटली एक फ़ोटो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसेंटली में जाके एक फ़ोटो को ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे मान लीजिए हमने इस फ़ोटो को यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट किया, जब सेलेक्ट कर लिया तो देख सकते हैं जब फ़ोन आएगा तो ऐसा दिखेगा फ़ोटो हमारा और ऐसा सब शो होगा। और यहाँ से आप क्या करना है, सेट अस कॉल बैकग्राउंड में जाके यहाँ से आपको सिंपली क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेट कर देंगे तो आपका जब फ़ोन आएगा तो इसी तरह आपकी फ़ोन में इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाई के चैनल को आपको लाइक, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाएं, इंटरेस्टिंग कमाल के ट्रिक वगैरह की जो वीडियो हैं वो आप तक हम पहुंचाएं, बना के हमारा भी इंटरेस्ट जागेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।